हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुक इज़ सर अनलिमिटेड जोन सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और इसके पहले कल हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और हमने डिफरेंशिएशन की डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखी कि हम किन किन मेथड से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो अभी तक जो हमने पढ़ा है मैं थोड़ा सा उसका रिविज़न आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है तो डिफ्रेंशिएशन की मेथड में जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी है दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। बेटा पढ़ाना हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सर। सीधे सीधे क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला मेथड लगती है देन सेकेंड जो मेथड है बेटा वो है सेकेंड मेथड है अपनी बाई पी रूल जिसको चेन रूल भी कहते हैं दिस इज ऑल्सो कोल्ड चेन रूल ये कब लगेगी बेटा ये कंपोजिट फंक्शन जो होंगे यानी फंक्शन का फंक्शन ये कंपोजिट फंक्शन में ये टेक्निक अप्लाई होगी एंड अवर थर्ड मैथड इज वॉट इज अवर थर्ड मैथड जो कल मैंने आपको बताई इम्प्लिसिट फंक्शन इंप्लीसिड फंक्शन तो इंप्लीसिड फंक्शन की टेक्निक आपने देखी जिसमें मैंने बताया आओ ना देखिए ताओ बस किए जाइए घाव ये वाली टेक्निक मैंने बताई आज हम आपको बता रहे हैं फोर्थ मेथड मेथड नंबर मैथडर इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ठीक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको कुछ पुट करना है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है तो ये मेथड आप कहाँ कहाँ लगाएंगे ये कहाँ कहाँ यूजफुल है आपके लिए ये बहुत यूजफुल टेक्निक है आपके लिए सबसे पहले आप इसको यूज़ करेंगे इनवर्स टिग्नोमेट्री में अगर आपको इनवर्स टिग्नोमेट्री बनती है तो फिर ये मेथड आपको बनती ही होगी दूसरी इनवर्स टिग्नोमेट्री के बाद ये मेथड आपके डिफरेंशिएशन में यूजफुल होगी और फिर इसके बाद यही मेथड आपकी इंटीग्रेशन में भी काम में आएगी मतलब एक ही मेथड तीन चैप्टर्स में अलग अलग आपके काम की है क्लियर बेटा यस सर चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन उठाते हैं जो आपने हमसे कहा उस क्वेश्चन को लेकर के हम देखेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन किस तरीके से हमारे काम में आती है जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया आपके सामने y इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे ले आया चलिए अब इसको हमको सॉल्व करना है देखिए बच्चों डीवेडी एक्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन में क्या क्या डिफरेंशिएशन होते हैं उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई डी एक्स ऑफ पॉट इनवर्स एक्स होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई डी एक्स ऑफ सेक inverse एक्स होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बेटा आपको ये सारे फॉर्मूले पता है यस ओके yes. okay. तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन के इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अब जी ये जो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन तो है डिफरेंशिएशन का बट देखा जाए तो इसमें 90 परसेंट पहले इन्वर्स लगेगी और इनवर्स से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर इसके बाद आप इसमें लगाओगे क्या डिफरेंशिएशन तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है पहले ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है ही नहीं पहले ये क्वेश्चन है किसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको क्या करना है यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करिए सिंपल तो आपको क्या पुट करना है देखिए फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है तो आप यदि एलेवेंथ क्लास में आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा टेन थ्री थीटा इज इक्वल्स टू होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन थीटा का फॉर्मूला होता है और आप ध्यान से देखिए अंदर कुछ यही आपको इमेज बनती दिखाई दे रही है बोलो बेटा संचारी दिख रही कि नहीं दिख रही है यस सर ओके तो हमको क्या पुट करना है साफ साफ दिख रहा है कि थ्री टेन थीटा तब बनेगा जब हम एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे टें थीटा तो हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू मतलब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स क्लियर की नोट क्लियर यस सर सो वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा तो ये क्या बन गया हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंदर किसका फॉर्मूला बन चुका है टेन थ्री थीटा का

अभी तक केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लगी है मतलब चैप्टर नंबर टू अब हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो इट विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री टेन इनवर्स एक्स नाउ थ्री इज ए कॉन्स्टेंट केम आउटसाइड सो थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली हियर इट इज टेन इनवर्स एक्स सो थ्री इन टू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वा सो yes, आंसर so क्या बनेगा आपका थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका डिफरेंशिएशन बन चुका है स्क्रीनशॉट शॉट ले लें ओके सो थ्री बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर चलिए डन बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाए के जो भी आंसर्स आते हैं तुरंत तुरंत ठीक ना ये हो गया यस सर चलिए आगे करते हैं इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन ही बना बेटा ठीक है तो आपने देखा क्या कि अगर आपको कोई इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए डी बाय डी एक्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन आपके पास कोई है तो आपको क्या करना है पहले इस इन्वर्स फंक्शन को सिंपलीफाई करना है इसको सिंपल करके लिखेंगे देन उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा डन बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताया बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फिर से यहाँ पे वही चीज दी गई है वाईक्वल टू साइन इनवर्स ऐसा कुछ फंक्शन आपके सामने दिया गया है ये देखिए ये लिखा है फंक्शन अब एक चीज की आपको चिंता होती होगी सर ये क्या लिखा हुआ है तो इस चीज की आपको चिंता नहीं करनी वट इज दिस ये x का डोमेन है ये क्या है बेटा x का डोमेन है दोमेन. और ये क्वेश्चन के हिस्से की चीज है बेटा ये आपके हिस्से की चीज नहीं है तो ये डोमेन है इसकी फिक्र आपको नहीं करनी आपको फिक्र केवल फंक्शन की करनी है तो अगेन बेटा वही चीज हो रही है यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है फंक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है अब देखिए एक yes, हमारे पास फॉर्मूला होता है इनवर्स टिग्नोमेट्री में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ये होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस इन टू माइनस यही क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन फिलहाल एक्स की जगह बड़ा सा एंगल है बड़ी सी वैल्यू वन माइनस एक्स स्क् वन प्लस एक्स स्क्वा Yes, हाँ यदि यहाँ पे x था तो x होता था अभी यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्सर है तो ये हो जाएगा Clear? Yes, okay. अब हम put करते हैं नाउ वी कैन पुट हीट्यूट करेंगे x x अब क्यों put करेंगे theta? क्योंकि मुझे फॉर्मूला नजर आ रहा है कैसे फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे मुझे फार्मूला पता है 2 थीटा का ये फार्मूला होता है किसका फॉर्मूला है बेटा कॉस टू थीटा का क्लियर कॉस थीटा ओके ऐसे ही साइन टू yes, थीटा का बनता है ऐसे ही टेन टू थी थीटा का बनता है जरूरत तो नहीं है फिर भी याद कर लीजिए साइन टू थी थीटा

तो आइए पुट करते हैं सो वाई इज इक्वल टेन स्क्वाज बिकम वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा थीटा क्या, मतलब so, क्या होगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बनेगा आगे जाके क्लियर की नॉट क्लियर बेटा

टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स तो अब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सिंप्लीफाई होके इतना आया है वाई की फॉर्म में अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन सो वाई इज इक्वल्स टू कितना आया फाइव बाई टू माइनस टू ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स क्लियर है बेटा नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स पाई बाई टू एक कॉन्स्टेंट है कॉन्सटेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस टू और टेन इनवर्स एक्स का डेफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सो आंसर कितना आ गया माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर क्लियर की नॉट क्लियर सर yes, सर हम X को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान सकते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं मान सकते हो जब फॉर्मूला बनेगा तभी तो मानोगे अब यदि आप यहाँ पे एक्स की जगह थीटा मान लेते तो क्या कोई फॉर्मूला बनता नो सर नहीं बनता ऐसा फंक्शन मानना है कि कॉस इनवर्स को कैंसिल करे तो कॉस इनवर्स को कौन कैंसिल करेगा कॉस ही कैंसिल करेगा क्योंकि कॉस का अपोजिट कॉस होता है क्लियर Yes, तो कुछ ऐसा बनाना था कि कॉस तू थीटा बन जाए क्लियर यस सर जिससे कि कॉस कॉस कैंसिल होके ओनली तू थीटा बच जाए या थीटा बच जाए अल्टीमेटली कैंसिल होना चाहिए क्लियर ना यस सर अब इसके लिए आपको टिक्नोमेट्री की बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए सारे फॉर्मूले आपको बनने चाहिए तब आपको अप्रोच आएगी ठीक है यस yes, सर या आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी हो तो आपसे ये बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे ओके सो दिस इज डन स्क्रीन ले लीजिए बेटा इसका यस सर यस दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन डन ओके okay गाइस तो पिछली एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 में तो 5.4 में कुछ नया नहीं है वही पुराने क्वेश्चंस हैं उन्हीं को फिर से रख दिया गया यहाँ पे तो जैसे पहला क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन एक्स तो आप इसको कैसे कर सकते हैं इसको आप डायरेक्टली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रूल लगा दीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देख लीजिए मैं कर देता हूँ आपके लिए तो क्वेश्चन क्या है वाई इज इक्वल्स टू इ की ई e की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स तो यहाँ पे दो फंक्शन का डिवीजन है बहुत ही इसको सॉल्व करना बहुत इजी है सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स अब इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फ्रैक्शन का तरीका लगाएंगे ये डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू सबसे पहले किसको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा ऊपर वाले को तो नीचे वाला वेट करेगा साइन एक्स एंड डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो साइन स्क्वायर एक्स क्लियर बेटा यस सर ना इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं मैं तो यहीं पर ये सॉल्व हो जाएगा ये है साइन एक्स और e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स ही होता है माइनस e की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स मोर बेटर आप ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो यहीं तक इसका आंसर छोड़ना बेटर रहेगा ए की पावर एक, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये देखिए बोलिए कोई दिक्कत नो सर चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अगला हमारी कैटेगरी है अगला फॉर्मेट है अगला हमारा जो फॉर्मेट है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में

कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब हम लॉग कहाँ कहाँ ले सकते हैं हम किस सिचुएशन में हम लॉग ले सकते हैं तो लॉग की सिचुएशन वेयर कैन बी एक लॉग हम लॉगरिथम कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं आइए समझते हैं तो कुछ फॉर्मेट हैं जहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आप वहाँ पे लॉग ले सकते हैं तो जैसे वाई इज इक्वल टू एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन तो आपको यहाँ हंड्रेड एंड वन परसेंट ये लॉग लेके ही करना पड़ेगा अगर फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप में क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे दोनों तरफ का लॉग ही लेना पड़ेगा तो क्या बनेगा यदि ऐसा क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड लॉग मतलब लॉग बेस ई नेचुरल लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड तो so, अगर आप दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे सो इट विल बिकम लेफ्ट साइड में लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ वन एक्स टू दावर एफ टू एक्स ओके सो देखिए क्या हो जाएगा ऊपर वाला लॉग नीचे आ जाएगा सो एफ टू एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ एफ वन एक्स मतलब जो क्वेश्चन पावर में था अब वो मल्टीप्लाई में आ चुका है एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ चुके हैं बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यस yes, सर तो पहली चीज तो हम लॉग यहाँ पे ले सकते हैं दूसरी चीज़ हम लॉग कहाँ पे ले सकते हैं अगर आपके पास में कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है के ले लो कांस्टेंट को और कांस्टेंट की पावर फंक्शन तो आप लॉग ले सकते हो ठीक ना कांस्टेंट okay. की पावर फंक्शन हो तो आप लॉग ले सकते हो और y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की एक वैरायटी है ई e. E की पावर में फंक्शन हो तो भी आप लॉग ले सकते हैं बिकॉज ई e की पावर फंक्शन में आप लॉग ले सकते हैं ई इज ए कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंट क्लियर बेटा यस सर तीसरा mm -hmm. आप कहाँ पर लॉग ले सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वाई इज इक्वल्स टू कई सारे फंक्शन का मल्टीप्लाई है एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स डॉट 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 कई सारे फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो आपको लॉग लेना चाहिए फोर्थ वेराइटी अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाई जी वन एक्स इंटू जी टू एक्स इंटू जी थ्री एक्स ये देखिए आपके पास ये फंक्शन ऊपर में मल्टीप्लाई है और नीचे डिवाइड में बहुत सारे फंक्शन हैं तो आपको क्या लेना चाहिए यहाँ पे इसका आपको लॉग ले लेना चाहिए ऐसे फंक्शन का ठीक है ना कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं और डिवाइड में हैं, तो आप इसका लॉग ले सकते हैं डन अगर आपके पास में कई सारे फंक्शन जो हैं पावर में हैं f1x की पावर m इंटू एफ टू एक्स की पावर n अपॉन g1x की पावर p और h1x की पावर q <clears throat> मतलब उल्टे सुल्टे पावर चढ़े हुए हैं रेशनल पावर इरेशनल पावर तो अगर पावर्स आपको परेशान कर रही हैं तो आपको इसमें भी क्या ले लेना चाहिए लॉग ले लेना चाहिए क्लियर बेटा यस सर तो इन जगहों पर आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं एक फंक्शन की पावर फंक्शन एक कांस्टेंट की पावर फंक्शन एक कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में हो कई सारे फंक्शन की उल्टी पुल्टी पावर हो और वो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो ठीक है ना यस yes, yes. तो ये आप यहाँ पे लॉग ले सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की यूज होंगी देखिए लॉग की जो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है वो कौन कौन सी करनी है पहली प्रॉपर्टी लॉग लॉग बेस ई है बेस को लिखा नहीं जाता इसका इंडेक्स एम है पावर एन चढ़ी हुई है तो ये हो जाएगा एन आगे आ जाता है बेटा उछल करके और ये बन जाता है एन लॉग एम ई बेस को जनरली लिखा नहीं जाता है है ना लिख दो तो लिख दो नहीं तो मन मत लिखो एन लॉग एम क्लियर बेटा यस सर दूसरी प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए इंटू बी अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो लॉग के अंदर तो लॉग इन को प्लस में कर देगा तो ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी क्लियर बेटा सी का मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग सी हो जाएगा मतलब जितनी चीजें हैं सब प्लस में जाएंगी थर्ड प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी दोनों को डिवीजन कर दिया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा दिस विल बी लॉग ए माइनस लॉग बी क्लियर लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी ये लॉक की प्रॉपर्टी है एक और लॉक की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चेंज इन बेस प्रॉपर्टी चेंज इन बेस प्रॉपर्टी ये क्या प्रॉपर्टी है बेटा मान लीजिए आपके पास कोई लॉग है जिसका बेस ए है और इंडेक्स बी है तो आप इसे लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर बी अपॉन लॉग ई बेस पर ए मतलब पहले बेस क्या था ए था अब दोनों में बेस क्या है ई है और जो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एक्चुअली वो ई e बेस पर लगता है तो X. ठीक है? Yes, क्योंकि जब तक ई e बेस पे नहीं लाएंगे आप एक्स को तब तक उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा जो आपका डिफरेंशिएशन जो एक्स डिफाइन है वो ई e बेस के लिए डिफाइन है हाँ ए और बी यहाँ पे रियल नंबर है आंसर ई e किसे डिनोट कर रहा है E मतलब बेस होता है बेटा लॉक का जो बेस होता है उसको हम e यहाँ पे बोल रहे हैं yes, ठीक ना sir. हाँ अब वो उसके yes लिए yes, की पढ़ाई एक अलग सी जरूरी है बट फिलहाल यहाँ पे इतना जान लो कि यहाँ पे बेस e है हर लॉक का एक बेस yes होता है उसको हम बोलते हैं yes, लॉक बेस e ठीक है यहाँ पे बेस e है बेस e को नेचुरल नेचुरल बेस बोलते हैं ठीक है बेस yes, ई e जो कहलाता है वो कहलाता है नेचुरल बेस और बेस ई e पर जो लॉग डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगेदम ठीक है बेटा नेचुरल yes, इसे सिंपल केमिस्ट्री में आपने देखा होगा एल एन ए भी बोलते हैं एल एन मतलब नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस ई ठीक है Yes. Yes, एल एन का मतलब है लॉक बेस इ ए ए क्या कहलाता है इंडेक्स कहलाता है इसका क्लियर यस yes, सर तो ये हो गई हमारी लॉक की प्रॉपर्टी आइए कुछ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं लॉक पर बेस्ड जैसे पहला आपका क्वेश्चन है की पावर साइन इनवर्स एक्स हालांकि इसको दो तरीके से कर सकते हो लॉक से भी कर सकते हो और विदाउट लॉक से भी कर सकते हो मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ तो वाई इज इक्वल्स टू इकी पावर साइन इनवर्स एक्स है क्या ये कांस्टेंट ऊपर क्या है फंक्शन कांस्टेंट की पावर फंक्शन तो दो तरीके हो सकते हैं इसके एक इसका हो सकता है टी रूल यानी चेन रूल तो चेन रूल में देखते ही मन क्या कहेगा मन कहेगा चलो डिफ्रेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बोले यस की नो सर yes, हाँ तुम e की पावर x होते मतलब ये दिक्कत दे रहा है तो जो दिक्कत दे रहा है उसको क्या मान लो t, तो हमने साइन इनवर्स x को क्या मान लिया बेटा t मान लिया क्लियर तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी भाई है बेटा, e की पावर t। फिर से बेल बजेगी टिंग टोंग कौन आया एक्स आया है तो बोलेगा टी का वेरिएबल भेजो पावर e t का डिफरेंशिएशन yes, e की पावर t ही होगा एंड हियर dy dx और t की वैल्यू पुट कर दीजिए t की वैल्यू क्या है sin इनवर्स x सो so, e की पावर t sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस t का वैल्यू पुट कर दीजिए t की वैल्यू क्या है sin इनवर्स x

सो so, ए e की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका डेरिवेटिव हो गया कौन सी मेथड से चेन रूल से अब इसी को आप लॉगरिथमिक मेथड से भी कर सकते हैं आइए देखते हैं इसको हम लॉगरिथम मेथड से कैसे करते हैं ठीक है यस सर y इक्वल टू क्या है e की पावर साइन इनवर्स x तो मैंने क्या कहा कांस्टेंट की पावर फंक्शन कौन सा रूप है इसका कांस्टेंट की पावर फंक्शन मैंने बोला था जब भी कांस्टेंट की पावर फंक्शन है तो आप लॉग ले लीजिए तो यहाँ लॉग लेंगे सो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स क्लियर बेटा यस सर ओके देखिए लॉग में बेस ई e छुपा हुआ होता है लॉग बेस ई है और ये साइन इनवर्स x है बेटा साइन इनवर्स x कहाँ कूद जाएगा आगे कूद जाएगा पढ़ा है आपने लॉग m, yes m. Yes yes e m की पावर n इक्वल टू n लॉग m पढ़ा ना यस सर यस सर लॉग बेस ई पर इंडेक्स m की पावर n इक्वल टू होता है n लॉग m बेस एम ई का तो ये क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा लॉग y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लॉग ना दिखने वाला बेस ई e है और इसका जो इंडेक्स है वो भी ई e है क्लियर बेटा यस सर अब याद रखिएगा एक प्रॉपर्टी जो मैं बताना भूल गया वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस और इंडेक्स सेम हो यानी लॉग ए बेस ए तो वैल्यू आती है वन इसी तरीके से लॉग ई e की वैल्यू कितनी आएगी वन क्योंकि लॉग का नेचुरल बेस तो ई e होता ही है क्लियर यस सर यस सर हाँ तो लॉग ई e की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगी तो ये वैल्यू हो गई कितनी वन सो ये बन गया अपने पास फंक्शन लॉग वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इन वन जिसको हम लिख सकते हैं लॉग वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स क्लियर बेटा अब डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि फंक्शन जो होना तो हो चुका है अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स अंदर में लॉग वाई यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स और अंदर पे साइन इनवर्स एक्स क्लियर बेटा यस सर देखिए यहाँ पे क्योंकि वाई का फंक्शन है तो टिंग टोंग क्या चाहिए वाई का वेरिएबल हूँ मुझे वाई ला के दो मुझे वाई डिफ्रेंशिएट करेगा ओके सो ये क्या बनेगा डी बाई डी वाई लॉग वाई और साथ में डी बाई बाई डी बनेगा बेटा यस सर और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बेटा लॉग वाई का डिफरेंशिएशन कितना हियर इट इज अपॉन वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे डी बाई डी एक्स को रोक लो सो डी डी एक्स रोक लिया आपने तो वाई ऊपर चला गया क्या बन गया वाई अपॉन अंडर रूट स्क्वायर और वाई की वैल्यू क्या थी आपने देखो वाई की वैल्यू आपने क्या ली थी क्वेश्चन में थी कि नहीं थी, थी। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा देख लीजिए बिल्कुल सेम आंसर आया है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है ओके यस सर कोई दिक्कत नो सर सो ये है बेटा हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हम्म भाई लॉग्रेदमिक मेथड भी मैंने बता दिया आपको और मैंने आपको चेन रूल भी बता दिया अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को आप चेन रूल से कर पाओगे ये क्वेश्चन इजी था इसलिए आपने इसको चेन रूल से कर लिया बट चेन रूल हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है ठीक है यस yes, सर हाँ चेन रूल नहीं अप्लाई होगा इसलिए हमने आपको मेथड है चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है e की पावर क्यूब तो लॉग e तो ले लीजिए लॉग लेके भी कर सकते हैं नहीं तो इसको टी लेके भी कर सकते हैं आप क्लियर यस ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी डायरेक्टली टी लेकर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन है ये तो तुम साइन एक्स होते अगला क्वेश्चन भी टी लेके वाला है फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में फंक्शन के पाँच पार्ट हैं पाँचों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग उनका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे सेवेंथ क्वेश्चन आप टी ले करके कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई रूट एक्स ये मैं करा देता हूँ सेवेंथ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन भी टी लेने वाला है hmm. नाइन्थ क्वेश्चन डायरेक्टली डिवीजन है टेंथ क्वेश्चन टी लेने वाला है तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे बन रहे हैं बस एक अच्छा क्वेश्चन है आपका सेवेंथ क्वेश्चन तो सेवेंथ क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है रहे हैं e ये देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स तो सबसे पहले क्वेश्चन को y ले लीजिए y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन को हमने y मान लिया सो so y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई टू दावर रूट एक्स क्लियर है बेटा यस देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू ई की पावर रूट एक्स की होल पावर वन बाई टू ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स की होल पावर वन बाई टू आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो देखिए दो तरीके हैं आप ये तो लॉग लेके कर लें वो भी हो जाएगा और बगैर लॉग लिए करें वैसे भी हो जाएगा क्योंकि नीचे कॉन्स्टेंट है ऊपर फंक्शन है ठीक है ना देखिए मैं आपको लॉग लेके कराता हूँ पहले तो y इज इक्वल्स टू अब देखिए एक फॉर्मूला होता है a की पावर m होल टू दी पावर n दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m एन टू एन तो यहाँ पे रूट एक्स है और मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू है तो ये कितना हो जाएगा a की पावर रूट एक्स बाई टू बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा यस सर ओके a की पावर रूट एक्स अपॉन्ट टू हो जाएगा अब लॉग ले लीजिए तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस तो ई है नहीं दिख रहा भले ई की पावर अंडर रूट एक्स बाई टू क्लियर बेटा क्लियर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं लॉग लेकर के लॉग ई बेस पे ई टू तो पावर एक्स बाई टू क्लियर बेटा रूट एक्स बाई टू yes, sir. Yes, sir. अब आपको पता है कि ये चीज सबसे आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बाई टू और लॉग क्या बन जाएगा बेटा इंडेक्स में ई e है बेस तो ई e है ही इसकी वैल्यू वन बन जाएगी क्लियर ना यस सो लॉग वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन टू आप चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बहुत सरल है तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स बाई टू लॉग वाई के लिए यहाँ पे इसको वाई आना पड़ेगा तो डी वाई डी वाई दिस विल बी लॉग वाई वन बाई टू एंड डी बाई डी एक्स रूट के अंदर बचेगा रूट एक्स ठीक है लॉग yes, वाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई यहाँ पे मैं कुछ भूल गया क्या भूल गया हूँ उसको मैं लिख देता हूँ लॉग वाई को वाई तो दिया साथ ही साथ मुझे यहाँ पे डी बाई डी एक्स भी तो देना पड़ेगा बोलो यस की नो सर यस चलिए अब देखिए तो हो जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स यहाँ पे वन बाई टू क्या है कॉमन है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा वन बाई टू रूट एक्स ये बनता आपको कि नहीं बनता

y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स तो y की वैल्यू पुट कर दिया अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई फोर रूट एक्स ये होगा हमारा आंसर क्लियर हुआ बेटा यस सर बिल्कुल सही हमारा आंसर अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स अपॉन फोर रूट एक्स ये क्वेश्चन हमने किससे किया है लॉग्रिदम मेथड से किया है बट आपकी बुक में इसको कंपोजिट मेथड से किया गया है क्लियर की नॉट क्लियर यस सर क्या मैं इसको बेटा कंपोजिट मेथड से कर दूं टी रूल से इसी क्वेश्चन को यस यस सर टी रूल से कर देता हूं अब तो टी रूल से देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बाय यूजिंग टी रूल सर जब, जब तक क्वेश्चन में डिफाइन ना हो तब तक हम किसी भी रूल से कर सकते हैं ना हाँ डिफाइन आपको किसी क्वेश्चन में नहीं करेगा बेटा आपको अपनी मर्जी लगानी है इसमें आपको कुछ डिफाइन नहीं रहेगा ये तो आपको खुद सोचना है ठीक है ना यस सर सो so, बेटा यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू ए की पावर रूट एक्स है ये आपके पास में फंक्शन आपको दे रखा है क्लियर बेटा यस सर तो क्या करोगे बेटा देखो यहाँ पे यहाँ पे आपको कह रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो तो काश तुम रूट ऑफ एक्स होते मतलब अंदर की चीज आपके लिए परेशानी है है कि नहीं है yes, भाई सबसे पहले डी बाई डी एक्स करोगे तो डी बाई डी एक्स इंप्लीमेंटेड होगा किसके ऊपर पावर रूट एक्स तो मन यही कहेगा कि कास e की पावर रूट एक्स की जगह टी होता तो लिखेंगे लेट ई टू दावर रूट एक्स इक्वल्स टू टी तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट टी बोलो की yes, इस पूरे को टी मान लिया ठीक है सो डी इक्वल टू क्या हो जाता है ये डी बाई डी टी रूट टी और डी टी बाई डी एक्स चलिए सॉल्व करते जाते हैं सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा वन अपॉन टू रूट टी होगा कि नहीं होगा बोलो यस सर वन बाई टू रूट टी और डी बाई डी एक्स और टी की वैल्यू तो टी की वैल्यू कितनी मानी हमने ई e की पावर रूट एक्स मानी कि नहीं मानी है यस सर e की पावर रूट x मानी है तो ये 1 अपॉन 2 रूट t की वैल्यू है e की पावर रूट x अब हमको निपटना है dy dx ऑफ e की पावर रूट x से मैं क्या करता हूँ काश ये e की पावर x होता मतलब रूट x को हम मान लेते हैं z लेट रूट x इक्वल्स टू z ठीक है बेटा यस yes, सर तो फिर से यहाँ पे वही सी चीजें होंगी टू अंडर रूट ई टू पावर रूट एक्स डी बाई डी जेड ऑफ ई टू पावर रूट एक्स ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई e की पावर जेड ही होगा बट यहाँ पे आएगा डी जेड बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा बोलो यस सर ओके तो डी बाई डी एक्स और जेड की वैल्यू क्या थी बेटा रूट एक्स थी ये देखो जेड की वैल्यू थी रूट एक्स क्लियर बेटा यस yes, सर तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट ई टू दावर रूट एक्स ये तो चल ही रहा है ई e की पावर जेड मतलब ई e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का डिफिनशिएशन अगेन वन बाई टू रूट एक्स क्लियर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा ये देखिए क्या आ जाएगा ई टू पावर रूट एक्स है नीचे बन जाएगा फोर टू टू ज फोर अंडर रूट एक्स अंडर रूट ई टू पावर रूट एक्स और ऊपर क्या हो गया ई टू दावर रूट एक्सु दावर रूट एक्स क्लियर की नॉट क्लियर बेटा yes, तो ये हमारा आंसर आ चुका है ना अब इस आंसर को हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखो बेटा e की पावर रूट एक्स जैसे आप जानते हो कि रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू टू होता है मतलब रूट के बाहर की चीज को आप दो बार रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो ये रूट के बाहर की चीज है तो आप इसको रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स e की पावर रूट X लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो yes, दो sir. बार लिखना मतलब रूट के बाहर फोर रूट एक्स इन रूट ऑफ इकी पावर रूट एक्स अब ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए तो आपका वही आंसर आ गया जो आपके बुक में दिया गया है अंडर रूट ऑफ इकी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई फोर रूट एक्स यही आंसर आपका एक बुक में आ रहा है देख लीजिए अंडर रूट ऑफ इकी पावर रूट एक्स अपॉन फोर रूट एक्स क्लियर है बेटा Yes, तो आप देख रहे हैं कि लॉगरे मेथड कितनी कमाल की है देखिए कितने छोटे में आंसर आ गया में में हमारा एक पेज में। आ गया ना बेटा yes, इसी को यदि हम आपको कंपोजिट रूल से कर रहे हैं टी मेथड से कर रहे हैं तो देखिए आंसर कितना बड़ा हमारा गया हुआ है काफी बड़ा गया है तो ज्यादा अच्छी मेथड कौन सी है बेटा टी मैथडमिक लॉगरे मेथड सॉरी टी मेथड नहीं लॉगरे मेथड क्लियर हुआ यस सर चलिए तो ये हमारी लॉग मेथड यहाँ पे बहुत अच्छी है अगली मेथड की ओर क्या अगले एक्सरसाइज की ओर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हैं तो तीन फंक्शन अगर आपके मल्टीप्लाई हैं तो क्या कर देंगे आप डायरेक्टली लॉग ले लेंगे तीनों log. का तीनों को लॉग ले लीजिए ये देखिए yes, तो जैसे ही आपने लॉग ले लिया तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी अब आप तीनों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए अब देखो बेटा एक चीज बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि बेटा जब आप बड़े बड़े काम करते हैं तो आप छोटी छोटी चीज को इग्नोर कर देते हैं है ना अब आपको यहाँ कुछ इग्नोर करके चलना है क्या इग्नोर करके चलना है देख लीजिए आप क्या इग्नोर करने वाले हैं आप यहाँ पे यहाँ पे लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स है कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस थ्री एक्स ठीक है बेटा यस सर अब आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करिए कोई आपको वो नहीं करना है मतलब सीधे एक तरीके से डंडा मेथड लगाइए तो क्या हो जाएगा बेटा ये लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई और एक आएगा डी बाई बाई डी एक्स बोलो आएगा कि नहीं आएगा बनता भी है कि नहीं बनता आता है अब देखिए लॉग कॉस एक्स तो log के ऊपर डंडा चलेगा तो वन अपॉन एक्स तो एक्स की जगह कौन बैठा है तो माइनस साइन एक्स क्लियर की नॉट क्लियर यस सर फिर आगे देखिए तो log के ऊपर डंडा चला फिर तो वन अपॉन कॉस टू एक्स फिर cos के ऊपर डंडा चलेगा तो माइनस साइन टू एक्स और फिर टू एक्स के ऊपर चलेगा तो टू का हो गया टू कॉन्स्टेंट और एक्स का वन क्लियर ना यस सर फाइनली लॉग के ऊपर फिर से चलाएंगे तो लॉग का हो जाएगा अपॉन फिर के तो माइनस साइन थ्री एक्स और फिर थ्री एक्स के ऊपर चलेगा तो थ्री भी आएगा आई मेरी बात समझ में अब ना आपने टी लिया ना कुछ लिया सीधे सीधे क्योंकि बेटा यहाँ पर वक्त की जरूरत है कि आप सीधे सीधे करें देखिए आपका आंसर

क्वेश्चन नंबर टू आपके प्लस में अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू क्या करेंगे मल्टीप्लाई मतलब में डिवाइड में और पावर तो जैसे लॉग लोगे तो वन बाई टू पावर आगे आ जाएगी ऊपर में क्या बचा बेटा मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई की चीज किस में हो जाती है प्लस में तो ये प्लस में हो गई और डिवाइड की चीजें सारी किस में हो जाती है बेटा माइनस में तो ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस अब कर लेंगे बताइए यस सर चलिए तो ये आपको करने हैं इन सारे फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन ये देखिए क्या है फंक्शन की पावर फंक्शन ठीक है ना तो फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से करेंगे चलिए तो आइए आज की एक्सरसाइज में करते हैं इसके क्वेश्चंस